और उसको क्या? मैं आइसक्रीम खाऊंगी मतलब। आज से साला तेरी ट्यूशन टीचर है दादी। हाँ दादी डंडे मार मार के करवाएगी। सीमा ने मेरे लिए कुछ मंगाया है जो कि मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो दोस्तों अभी काशी को स्कूल से लेकर आने का समय हो गया है और बिल्कुल तो अभी जा रहे हैं काशी को स्कूल से लेकर आने के लिए। सुबह गई थी सीमा छोड़ने के लिए स्कूल काशी को स्कूटी से, मैं जा रहा हूँ अभी काशी को बैठाऊँगा बीच में, सीमा बैठेगी पीछे, तो लेकर आते हैं फिर और दिखाते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और आज जो स्कूटी की क्या है कि अभी तक नंबर प्लेट अभी आई नहीं है, तो वहाँ भी जाना है दिल साथ गार्डन जहाँ से स्कूटी ली थी और वहाँ से नंबर प्लेट भी लेके आनी है। काशी आ गई है स्कूल से। काशी मम्मी कहाँ हैं? छुप रखी थी। मेरा लग गया। चलो चलो आ गए हैं काशी को स्कूल से लेकर वापस घर। काशी को दिया था ब्रेकफास्ट स्कूल के लिए, उसने तो खाया ही नहीं, कम खाया तो अभी सीमा खा रही है। तो देखो ये सब लाहौर जीरा पी रही है पीछे बैठे। काशी तुझे खाना नहीं खाना होता? अब देखो काशी का होमवर्क देखा जा रहा है। तो ये है काशी को आ गए। ये देखो आज ना मुझे पहली ये अरे पापा को आज मुझे पहली बार पता चला कि काशू कॉल भी लगा देती है भाई। मैंने बस ऐसे ही बोला, मैंने कहा पापा को कॉल लगाते हैं, रुक जा मैं कपड़े बटोर लेती हूँ भाई, तब तो उसने कॉल भी लगा दिया। ये देखो आइसक्रीम लाना बल, सुन रहे हो? सबसे पहले कॉल उसने अपने पापा को लगाया, कह रही आइसक्रीम लेके आना, अभी वो नंबर प्लेट लगाने गए। और काशी ये देख, हेलो अभी तो ना फोन जा रहा है बच्चे, बोलो। हेलो हेलो बोलो बोलो क्या चाहिए? सुन रहे हो? बिग आइसक्रीम, फूल वाली ड्रेस सब मांग रही हो? ठीक है, ओके। कब तक आओगे? तो आ गई है सीमा की नंबर, तो आ गई है स्कूटी की नंबर प्लेट और ये सब कागज डॉक्यूमेंट। कहाँ मिलेगा हमें, हम वहाँ कौन से वहाँ गए सब्जी मंडी। और ये आ गए हैं छोले कुलचे, जबकि घर में बनाया फाउंडन वाल, हम सबका फेवरेट, लेकिन फिर भी सचिन ने कहा कि अंजलि का खाने का बहुत मन है। मैंने भी यही बोला था। नहीं इसने बोला कि अंजलि बहुत अच्छी लगी है खाने के लिए। हाँ ये आइसक्रीम। ओहो दोनों ने एक एक आइसक्रीम पकड़ ली, और हमारे हमारे घर का छोटा बच्चा भी पकड़ेगा अभी आइसक्रीम। मम्मी ने तो सबसे पहले पनीर पकड़ा यार, मैंने सोचा आइसक्रीम पकड़ो, पनीर पकड़ा मम्मी ने। वो देखा है छोटा बच्चा भी लगा। तेरी आइसक्रीम कहाँ गई? अभी केला खा के आई है। और चिक्की आइसक्रीम दे दो रे उसको। अब खाना कौन खाएगा? सब आइसक्रीम और छोले भटूरे को फोड़ पड़ेगा। देख रहे हो दोस्तों अब पकड़ दो जल्दी से उसको, मैं आइसक्रीम खाऊंगी मतलब। तो दोस्तों आज खाने में जैसे बताया था कि आज है फाड़ू और चावल, हम सभी का फेवरेट, और छोले कुलचे भी रखे हैं साइड में, और वहाँ पे काशी भी खा रही है फाड़ू। काशी कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, चल खा ले। आज दादी करवा रही काशी का होमवर्क। ये चना भी खाया जा रहा साथ साथ में। मेरा प्याज देख रही हाथ में लगाओ, ये क्या है? काशु मैंने थप्पड़ लगा दी ना नौटंकी करेगी, ये क्या है? बताओ ये शंभू देख रही है, शंभू भी से कर रही है प्रैक्टिस। शंभू देख ले।
सब अलग हो रहा है सब अलग हो रहा है तो आपसे सीमा तुम कराओगी इंग्लिश का होमवर्क, माँ कराएगी हिंदी का और मैं कराऊंगा मैथ का। ये किसने बनाया? मैंने उसके हाथ पकड़ के करवाया। अरे वाह क्या बात है, मम्मी ने पोर बनवा दिया उससे। आज से साला तेरी ट्यूशन टीचर है दादी। हाँ दादी डंडे मार मार के करवाएगी। फिर तो फर्स्ट आएगी स्कूल में। इसके साथ प्रॉब्लम ये है, स्कूल में सारा होमवर्क खुद कर, मतलब सारा क्लास वो खुद करती है वहाँ पे बैठ के। उसकी पूरी बुक में लिखा भी है, उसकी मैम वीडियो भी भेजती है कि खुद करती है ये, क्योंकि मैंने उनसे बोला है ये तो घर पे बिल्कुल भी, हम कितना भी बोलते नहीं करती रहेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये इतना अच्छा बनाती है, पर अगर इसे यहाँ बोलते ना बेटा ये बना ले, कभी नहीं। बस स्कूल में वीडियो आती है इसकी, इतनी आराम आराम से प्यार प्यार से बना ले, कंसंट्रेशन से करती है वहाँ पे। और यहाँ पे भैया तो बोलते रहो, चले खाती रहेगी, इधर उधर देखती रहेगी, बिल्कुल नहीं। तो मैम ने कहा करते हैं बच्चे ऐसे, घर में सबकी शिकायत आती है। शंभू मेरा, शंभू होगा पढ़ने में होशियार है ना, है ना? दीदी तो है नहीं पढ़ने में, दीदी को बस ड्रेस देखनी है, पिंक साइकिल लेनी है, बस मोबाइल चलाना है। और देखो शंभू कैसे देख रही है, गौर से देख रही दीदी कर क्या रही है। पुदीन का खाना बन चुका है, और जैसे कि दिखाया था अभी सीमा ने कुछ देर पहले, जो हम हमारे लिए वो पकौड़े लेकर आई थी मेरे लिए मम्मी के लिए, तो आज बनी है कढ़ी ये भी, और दो पकौड़े भी हैं साथ में। और यहाँ पे करवाए जा रहे हैं शंभू को, दवाई दी जा रही है। तो बस दोस्तों अभी करते हैं खाने का सेवन, और फिर उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को आगे। तो वाह आप लोग पूरा ब्लॉग जरूर देखना। तो दोस्तों आए हुए हैं हम अपना घर देखने के लिए, और दोनों बच्चों को लेके आए। अब हम शंभू को भी ले आते हैं दूसरे तीसरे दिन नीचे। आज शंभू ने पहन रखी जीन्स और टी शर्ट और टोपी। टोपी तो मैंडेटरी है भैया उसकी, यार की आज पूरे रैप स्टार वाले लुक में। तो घर का काम जो है आजकल दोस्तों काफी प्रोग्रेस पे है, क्योंकि जैसे कि बताया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो प्लान है वो दिवाली तक शिफ्ट होने का है। तो हम लोग नीचे से घूम के आ गए थे, खाना पीना भी खा लिया है, और सीमा ने मेरे लिए कुछ मंगाया है जो कि मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखो काशी खोल के देखो क्या है। काशी खोल ले, मैं बता रहा हूँ, मैं आप बता रहा हूँ। सीमा ने ठीक बोला कि मैं बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ जिम। एक्चुअली जब मेरी शादी होने को थी 2018 में, तो उससे पहले मैंने 4-5 महीने जिम की थी। वैसे मैंने जिम काफ़ी की है, लेकिन पहले की है जब मैंने 12th पास कर ली थी उसके बाद। लेकिन अभी मैंने 2018 में जिम की थी, उसके बाद अभी 5 साल के बाद मैं अब जिम कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है, सीमा कह रही है तुम वैसे ही फिट हो, बट सही में मैंने मना भी किया था। मैंने मना भी किया था कि तुम मत जाओ जिम, क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है वाकई में, फिट रहते घर पे भी कर लेते हैं वर्कआउट। सबसे ज्यादा पंचुअल भी वर्कआउट करने के लिए, और किसी में ना हो पर वर्कआउट करने के लिए पंचुअल रहेंगे। जैसे लगता भी है ना कि ओवर ईट कर रहे हैं, तो एक दिन का स्किप भी कर देते हैं, इतना वो है इनमें। तो मैंने इनका जा रहे तो फिर अच्छी बात है। तो मैंने ये सोच के इनके लिए कल शूज मंगा दी, क्योंकि मुझे कल कह रहे थे कि जिम में ना शूज के साथ जाना ज्यादा बेटर होता है। वैसे शूज है इनके पास, पर वो ड्रेसेस के साथ के लिए, व्हाइट है ये, ब्लैक है, मैंने कहा ये मंगा देते थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। बस कैसे लग रहे दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैंने सेल में लिया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे निकले। लगा के देख रही है मेरा बच्चा, और शंभू कह रही मुझे जल्दी सुलाओ। चलिए फिर दोस्तों इसी के साथ में करते हैं आज का ब्लॉग एंड, और आशा करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय शंभू। देखो कितने का हो गया है।